हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, ई केवाईसी के थ्रू पैन कार्ड आप कैसे बना पाएंगे। इसी के रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, साथ में अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जो ID लिए हैं उन सभी रिटेलर यहाँ से पैन कार्ड बना पाएंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं, टेक्नोवेब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, हमारा सभी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहेगा, जो कि यहाँ पे सीएससी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड नए नए सर्विस की जानकारी का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पैन कार्ड ई केवाईसी पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड जो रिटेलर ले चुके हैं उनके पास है, जिनके पास जो लेना चाहेंगे वो मोबाइल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, इसको कट कर देना है। और यहाँ पे देखिए QR कोड दिया हुआ है, इस पर आपको स्कैन करके पे करना है, तभी आपके वॉलेट में बैलेंस आएगा। और बैलेंस आपके वॉलेट में रहेगा तब आप पैन कार्ड बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे वॉलेट में 307 रुपया भी है। तो यहाँ पे जैसे आप स्कैन कर लेंगे, तुरंत ही आपके वॉलेट में यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में, जो कि आप मोबाइल से कैसे ही पैन कार्ड को बना पाएंगे फिंगरप्रिंट से। मोबाइल एप्लीकेशन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको एम पेन का जो एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन है एम पेन। यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे, डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे यूजर आईडी और बैलेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम इंटर लास्ट नेम डालेंगे, और यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम डालना है। ठीक है, अगर मिडल नेम नहीं है तो यहाँ पे पहले सर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम आप डाल दें। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्ले स्टोर में लेके जाएगा। जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन है पैन सर्विस एजेंसी ऐप। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यानी दो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे मोबाइल से ई पैन कार्ड बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है, अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब यह अनइंस्टॉल करके और इसी से पैन अप्लाई होगा। तो चलिए, हम यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब यह अनइंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फिर से हम ओपन पे क्लिक करते हैं और नेट आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, फिर से हम जाएंगे इसमें एप्लीकेशन में और प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपके उस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ ई पेन न्यू पेपरलेस ई केवाईसी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे कस्टमर का आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। ठीक है, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि पहले एप्लीकेशन में आपने डाल दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं और यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप आधार नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, उसके बाद टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे
चलिए हम फटाफट से यहाँ पे डाल लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे आपको पेन रिलेटेड सारी जानकारी का वीडियो मिलता रहेगा, करेक्शन का भी और ई साइन और फ़ोटो के साथ वाला भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको कस्टमर का सेलेक्ट कर लेना है, पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंसल्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस लिख के आ चुका है। अब एक बार फिर से यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यू हैव ना अदर नेम, अगर आपका कोई अदर नेम नहीं है तो नो का क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सिंगल योर पैन कार्ड बाय, अगर आप मदर नाम देना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करके आप यहाँ पे फादर नाम देना स्टार्ट कर देंगे। पहले यहाँ पे फादर नाम का सरनेम आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको फर्स्ट नेम आपको डाल देना है। जैसे फर्स्ट नेम डाल देंगे फिर आपको री इंटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट सरनेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम का कॉलम मिलेगा, उसको आप ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मदर नाम का आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है अभी फिजिकल पैन कार्ड रिक्वायर्ड, अगर बाई पोस्ट भी चाहिए तो एस पे ज़रूर क्लिक करें यहाँ पे। ठीक है, एस पे ही क्लिक करना है तभी आपको बाई पोस्ट भी मिलेगा। यहाँ पे नो इनकम में टिक लगा देना है। उसके बाद ये वो कोड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, नीचे लिस्ट मिल जाएगा। जैसे ऊपर में आप IN लिखेंगे इंडिया यहाँ पे आ जाएगा, इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे स्टेट शो हो जाएगा, तो जो स्टेट के आप हैं उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है कस्टमर का, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दें। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID डालना है, ईमेल आईडी डालने के बाद एड्रेस लिख देना है, प्लेस नेम मांगेगा वहाँ पे आप गांव का नाम डाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ये सारा डिटेल मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और प्लेस नेम जो मांग रहा है वो हम यहाँ पे गांव का नाम डाल देंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्लस नेम यहाँ पे सिंगल लेगा क्योंकि सिर्फ गांव का नाम ही लिखना है, बाकी डेटा तो आधार कार्ड के डिटेल से तो कैच कर लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये वो कोड के लिए चूज फाइल करना है, इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे आपको शो होगा, जो भी स्टेट के हैं स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सिटी आ जाएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है ये वो कोड पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे सारा डेटा आपका शो करेगा जो आप फिलअप किए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे पूरा मैच कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा,
अब यहाँ पे कस्टमर का फिंगर लेना है, ठीक है। आपकी डिवाइस की लाइट जल जाएगा, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, डिवाइस जैसे फिंगर का लाइट जलेगा, आपको कस्टमर का फिंगर उसमें डिवाइस में लगाना है। जैसे फिंगर कैप्चर हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्लीज वेट लिख के आएगा, और यहाँ पे देखिए ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट लिख रहा है, और आपके सामने देखिए फॉर्म फिलअप हो चुका है। सारा फोटो अटैच के साथ यहाँ पे पूरा पीडीएफ दिखा रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, मैं देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे ओके पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे फिर से आपको इंटर आधार, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे टिक लगाना है, वायर डिवाइस पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना है, वायर डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाने के बाद वायर डिवाइस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एलो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बायोमेट्रिक यहाँ पे फिर से आपको कैप्चर करना है, कस्टमर का फिर से यहाँ पे फिंगर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कैप्चर फिंगर प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिवाइस की लाइट जल जाएगी, और यहाँ पे कस्टमर को फिर से फिंगर कैप्चर कर लेना है। जैसे आप फिंगर कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ई साइन इन प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा, और प्लीज वेट यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एंग्लोजमेंट नंबर मिल चुका है। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे ये आपका कंप्लीटली सक्सेसफुली पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब 20 से 25 मिनट में आपके ईमेल में पैन कार्ड का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से मोबाइल से पैन कार्ड बना सकते हैं। लैपटॉप से कैसे बनाएंगे इसका वीडियो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।